हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्किंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम जानते हैं कि डीडी पीडीएस का जो ये कार्ड होता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है जो हमारे कार्ड स्टार्ट नहीं होता। कभी कभी हमारे जो पावर सप्लाई किट होता है वो सही होता है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले में लाइन नहीं आता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करके जानते हैं इसके बारे में। आप चेक करके देखते हैं। चेक करने के माध्यम से भी देखते हैं। 200 वोल्ट डीसी को हम लोग चेक करेंगे। फिर चेक करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं कार्ड को, चेक करने में आसानी होगी। इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, इसको अच्छी तरह से इसमें लाइन में लगा के चेक करेंगे कि इसमें हम लोग का वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ग्राउंड में सेट चेक करें, लोग दिख नहीं रहा होगा, हम इसको साइड में रख लेते हैं। मॉडरेटर को साइड करके रखेंगे ताकि दिखेगा। ग्राउंड में कलर वाले ग्राउंड में रहता है। इसको वोल्टेज चेक करते हैं बारी बारी से, देख रहा होगा आप लोग को। इसमें ग्राउंड 17 वोल्ट, 28 वोल्ट। हम लोग को वोल्टेज जो है वो यहाँ से सही करेक्ट मिल जाएगा। जितना वोल्टेज चाहिए वोल्टेज हम लोग को मिल जाएगा। चलिए हम लोग कार्ड चेक करते हैं। वोल्टेज के कारण से होते हैं, उसे नहीं मिलता है उसी टाइम। इसको निकाल कर हम लोग चेक करेंगे। ये जो हमारा है, कभी फिर ये भी ख़राब हो जाता तो हमारा जो डिस्प्ले में लाइन नहीं आता है। ये दोनों डायोड इसको चेक करते हैं। हम लोग कंटिन्यूटी में रहेंगे, उससे पास ले गए कहीं हमारा कार जो है वो कहीं पर शॉर्ट नहीं है। ये हमारा ऊपर वाला ये आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है और ये भी आउटपुट है और ये हमारा ग्राउंड। तब ये हम लोग को लग रहा है कि सही है, इसमें सब कुछ सही
चेक करके देख रहे हैं कि हमारा ये सही बता रहा है मल्टीमीटर में। चलिए अब हम डायोड को चेक करते हैं। इसमें शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा कि सेट पे हमारा नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव को सेट लगाएंगे। नेगेटिव को सेट, चलिए यहाँ तो सही दिख रहा है, इसको पलट के भी चेक करेंगे हम लोग। इस साइड से बता रहा है यानी कि ये शायद हम लोग को लग रहा है कि फोल्ड है, दोनों साइड से बता रहा है सेम। चलिए दूसरा वाला फ्लैट भी हम लोग चेक करते हैं। वेटिंग टाइम बता रहा है, इसको पलट के भी चेक करेंगे। इस साइड से नहीं आ रहा है, इसमें दोनों साइड से हमारा आ रहा है, तो यानी कि ये डायोड हम लोग को लग रहा है कि शॉर्ट किया हुआ है। तो चलिए हम इस डायोड को निकाल के इसकी जगह पे उस डायोड को लगा के देखते हैं। देखिए हम लोग डायोड को निकाल दिए हैं, उसके जगह पर हम लोग नया डायोड ला के दिखाएंगे आपको। ये वाला डायोड को हम लोग लगा के दिखाएंगे किसमें लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है डिस्प्ले में। चलिए डायोड भी हम लोग लगा दिए, लाइन पे देखें देखते हैं। इसमें लाइन दे रहे हैं, देखिए ऑन हो गया हमारा, मतलब जो हमारा जो डायोड था वो खराब हो गया नहीं ले रहा था। आपके पास कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार चेक करके देख सकते हैं अपने घर पे। अगर आपको वीडियो अच्छा